वेलकम बैक टू आवर चैनल हिमांशी सोनी ब्लॉग्स। तो आज है संडे और क्या बोल रहे हो पागल हूँ। अभी तुम थोड़ी देर के बाद बोलना पागल हूँ, फिर मैं बताऊंगी। तो अभी मैं थोड़ी सी धमकी दे सकती हूँ इन लोग को, क्योंकि अभी मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा, और अगर किसी ने मुझे कुछ बोला तो उसको खाने को नहीं मिलेगा। तो मैं फर्स्ट टाइम पिज्जा आज बनाने जा रही हूँ और देखते हैं कि कैसा बनता है। तो पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बनाया है पिज्जा सॉस, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कैसा टेस्ट होगा वो तो अभी मैंने टेस्ट किया नहीं है। तो बनाते हैं पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें डाल देंगे नमक ऊपर से, और उसके ऊपर ये रखेंगे रिंग। तो गैस ऑन कर देते हैं। और अब इसके ऊपर रख देंगे ये रिंग। नमक बहुत ज़्यादा देर तक गर्म होता है तो पिज़्ज़ा हमारा अच्छे से इसमें पक जाएगा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये पिज़्ज़ा बेस मैंने रेडीमेड लेकर आई थी, ये 30 रुपए का मिला है मुझे, किसी भी बेकरी में आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं। ये है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। खाली या फिर प्लेट जा जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। इसको ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो थाली को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और अब जो हमारा पिज्जा बेस है उसको हम उसमें सब कुछ अपना सजा लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस पिज़्ज़ा बेस में हम लोग सबसे पहले लगा देंगे हमारी जो तैयार करके रखी है पिज़्ज़ा सॉस है। सबसे पहले इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे अच्छी तरीके से पूरे में। तो सॉस लगा दी है, और अब इसमें डाल देंगे जो हमने चीज़ ग्रेट करके रखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली चीज़ के क्यूब पे लाई थी, तो मुझे लगा था कि एक में क्या होगा, इतना छोटा छोटा है, पर जब मैंने इसको ग्रेट किया तब इसमें मुझे दिखा कि हाँ ये है, इसमें बहुत सारा हो जाता है। और अब इसमें सजा देंगे जो हमारी सब्जी हमने रखी हुई है। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या लगाऊँ, इसमें सबसे पहले मैं लगा दूँगी ये यहाँ पर ऐसा। इसके बाद फूल बना देंगे, वाह क्या लुक आ रहा है। इसके ऊपर से फिर से ये वाला शिमला मिर्च लगा देंगे हम, और अब ये टमाटर ऊपर से। पिज़्ज़ा को मैंने अच्छी तरीके से सजा दिया है, और काफ़ी हरा भरा लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। और इसके ऊपर से थोड़ी सी चीज़ बची हुई है तो उसको और हम डाल देते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे ऊपर से थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी ये मिर्च, क्योंकि मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं है इसलिए मैं इसमें मिर्च ऐड कर रही हूँ। और अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, देखने में तो काफ़ी अच्छा दिखा है। और अब चलते हैं, इसको इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने रख दिया, इसको बहुत सावधानी से आपको रखना है वरना आपका हाथ भी जल सकता है। और अब इसके ऊपर से कवर कर देंगे, इसमें ऐसे रख देते हैं, पक जाएगा अच्छी तरीके से।
तो अब इसको ढक दिया है और देखते हैं इसको पकने में शायद 20 मिनट करीब लगेंगे। तो तब तक हमारा दूसरा पिज्ज़ा जो है वो तैयार कर लेते हैं, देखते हैं इसको 20 मिनट के बाद। तो चीज़ के ये क्यूब लेकर आई थी मैं और मुझे लगा था कि इतना छोटा सा क्यूब है उसमें क्या होगा, लेकिन इसमें अच्छा खासा हो जाता है, एक पिज़्ज़ा के लिए हो ही जाता है। तो 15 रुपये का मिला है, किसी भी बेकरी में इजीली अवेलेबल रहता है। तो करीब 20 मिनट हो चुके हैं और अब देखते हैं हमारा पिज़्ज़ा कैसा है। मेरे भाई लोग को तो सबर नहीं हो रहा है, 5 से 6 बार पूछ चुके हैं, हाँ घर बन गया। पक तो चुका है, इसकी चीज़ जो अंदर की है सब मेल्ट हो चुकी है, तो निकाल लेते हैं अब इसको। तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी है और नीचे से दिखाती हूँ मैं आपको, टर्न करूँगी तो ये गिर तो नहीं जाएगा। पीछे से एकदम पक चुका है, देख सकते हैं आप, और नहीं गिर रहा है, पक चुका है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो निकाल के दिखाती हूँ आप लोग को, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब खाने में जब जो कोई खाएगा वो टेस्ट बताएगा। तो सबसे पहले मेरी मम्मी बताएगी कैसा बना है, क्योंकि हर चीज खाने पीने में है और बताने में। चलो तुम लोग एक एक पीस खा के विदा हो। एक पीस पे देखो पूरी थाली लेकर गया है, पूरा तुम्हारे लिए नहीं है, तारीफ कर देना, पहले बता रही हूँ। देखो एक एक पीस देखो, नाइस नाइस। तो पापा कैसा है? बहुत बढ़िया। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल देखा। तो ये है हमारी ढिंका। पिज्जा कैसा था, खाया पिज्जा? अच्छा था। हर के लिए बात ऐसे बोला, ऐसे बोला मस्त था। कौन कौन खाया? ये और मेरी मम्मी दोनों। तुम्हारा काना खाया? काना भी खा लिया। तो अभी है हम लोग छत में और हवा बहुत अच्छी चल रही है। इधर देख, इधर देख, ये कौन है? देखो कौन है ये, इसमें हम शक्ल दिख रहा है ना। मुझे ऐसे कर दे। कैसे कर दे? ऐसे जैसे मैं पकड़ी हूँ। हाँ ऐसे करना है, तुम्हारा हाथ छोटा है ना इसलिए तुम नहीं पकड़ पाओगी। हाथ बड़ा करो ना मेरे जैसे। देखो कैसे कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो पिज्ज़ा की। फर्स्ट टाइम मैंने पिज्ज़ा बनाया और सीरियसली बहुत ही अच्छा बना था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बनेगा, पर बन गया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और
मेरा इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की आईडी है एट हिमू, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो फिर आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।